एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्ज़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है और कितना कलरफुल दिख रहा है। और जिन लोगों को भी परवल की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, तो वो लोग अगर इस तरीके से आप बनाएंगे सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट, तो सबको पसंद आने लगेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेंगे इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी हमारी। इधर मैं ले ली हूँ 2 टमाटो और 2 प्याज और लहसुन, मिर्ची, अदरक। और मैं इधर ले ली हूँ साथ ही में गरम मसाले। गरम मसाले से और भी स्वादिष्ट बन जाती है सब्ज़ी हमारी, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं गरम मसाला ली हूँ। अब चलिए मैं इधर परवल दिखा देती हूँ। परवल को मैं धो करके अच्छे से गोल गोल साइज में काट ली हूँ। आप कैसे भी परवल को अपने शेप में काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद। अब परवल को मैं फ्राई करूँगी सबसे पहले। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मैं एक बड़ा सा पैन ले ली हूँ, उसमें फॉर्चून ऑयल डाल दी हूँ। अब इसको फ्राई करते हैं। तेल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं परवल को, गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं परवल को। उसके बाद आलू मैंने उबाला है, उसको भी मैं फ्राई करूँगी। पहले मैं परवल को मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। इधर मैं ले ली हूँ आलू। आलू मैंने दाल में डाल दिए थे, बहुत ही आसानी से उबल जाते हैं। अगर आपको भी झटपट आलू उबाल करना है तो उबाल लीजिए, दाल में बहुत ही आसानी तरीके से उबल जाते हैं। और इधर मैं पीस लेती हूँ मसाले, तब तक जब तक मेरा परवल ब्राउन ना हो जाए। इधर मैं थोड़े से पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इधर आप परवल देख सकते हैं, हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ प्लेट में। अब मैं फ्राई कर लेती हूँ आलू। आलू को मैं इस साइज़ में काट ली हूँ। आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट तक करेंगे, क्योंकि मेरा आलू उबला हुआ है और पक चुका है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक ही मैं फ्राई करूँगी आलू को। उसके बाद चलते हैं बनाते हैं। इधर मैं रेडी कर ली हूँ अपना दोनों का प्यूरी, आप देख सकते हैं। और इधर मेरा दोनों रेडी हो गया है फ्राई हो करके, परवल और आलू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला में। चलिए अब मसाले की तरफ चलते हैं। मसाले में क्या क्या ली हूँ आपको मैं बता देती हूँ। रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, हल्दी पाउडर, नमक और सब्जी मसाले और जीरा पाउडर मैं ली हूँ। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सरसों का तेल डाला है सब्ज़ी बनाने के लिए, और जीरा से तड़का लगाते हैं। अब मैं जो मसाला तैयार किया था प्याज से, अब मैं उसको मैं भून लेती हूँ। सबसे पहले प्याज को अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब मैं अच्छे से तेल में मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि मेरा जल्दी से आसानी से ये अच्छी तरीके से प्याज हमारा पक जाए। गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। अब प्याज हमारा पकने ही वाला है, बबल्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से तेल छोड़ दिया है। इधर मेरा प्याज पक चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटो प्यूरी। अब टमाटो को भी अच्छे तरीके से पका लेती हूँ, 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। अब इसको चला के देखते हैं। टमाटर भी हमारा लगभग पक चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। टमाटो पकने के बाद सब्जी मसाले मैं ली हूँ, जो बाकी सब सब्जियों में यूज करती हूँ। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और टेस्ट अनुसार नमक। अब मैं थोड़े से पानी डाल करके मैं मसाले को पका लेती हूँ। अगर पानी में डाल के नहीं पकाऊंगी मसाले, तो चिपकने लगेंगे और मसाले जल जाएगा, इसलिए मैं थोड़े से पानी डाल करके मैं मसाले को सबसे पहले पका लेती हूँ। अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद मैं जितना पानी लगेगा उतना मैं डालूँगी। अब मसाला भी हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ, मैं घर पे मलाई से, दूध की मलाई से मैंने क्रीम बनाया था, अब मैं इसको डाल देती हूँ। इससे और भी स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। चलिए अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं।
अब मैं इसमें डालती हूँ आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे बॉईल किया हुआ। अब मैं इसमें डालती हूँ परवल। अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम पानी डालेंगे, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए, जितना मुझे सब्ज़ी चाहिए उतने अपने हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से पानी डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। मैंने हाफ कप पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, मुझे ऐसा ही ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसको ढक देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ये उबल जाए और पक जाए। हमारी सब्ज़ी पक चुके हैं, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारी सब्ज़ी, अब बन के तैयार हो गई है। अब इसका हम मज़ा लेंगे खाने में। और इसमें ऊपर से मैं डाल देती हूँ ताकि और भी खुशबूदार हमारी सब्ज़ी हो जाए, धनिया डाल देती हूँ। हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। आप लोग को अगर हमारी सब्ज़ी पसंद आया हो, अगर रेसिपी हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप फ्री में देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू।